हाउस एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय देश में स्वच्छता का सर्वेक्षण कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर में दिल्ली से आई टीम ने स्वच्छता का निरीक्षण किया। दिल्ली से आए प्रदेश संयोजक चमन शर्मा व सीनियर निरीक्षक विकास गर्ग ने बताया कि जिला हमीरपुर में दो स्कूलों का चयन किया गया था। इन स्कूलों में स्वच्छता कमेटी काम कर रही है या नहीं, इसके बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि स्कूल में बनाई गई स्वच्छता कमेटियों का कार्य सराहनीय है। स्कूल में वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में फेंका जाता है और बर्मिंग कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए गड्ढे भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर शहर की सफाई के मापदंडों को भी जांचा जाएगा। इस दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डस्टबिन और वार्डो में सफाई का सर्वे किया जाएगा। नगर परिषद के वार्डों के अलावा शहर में अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सर्वेक्षण में नगर परिषद के सभी वार्डों और हमीरपुर शहर के आसपास स्वच्छता का निरीक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद इसकी रैंकिंग भी की जाएगी कि कौन सा शहर कितना स्वच्छ है। पूरे भारत में जो है वो 4 जनवरी से जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो शुरू हो गया है, जो हमारे अर्बन एरियाज है वेलवी जो है वो ये वर्क पार्टिसिपेट कर रही है उसमें। तो उसमें आज एमसी हमीरपुर जो है वो पार्टिसिपेट करने के किया था उन्होंने अप्लाई, तो आज इनका फील्ड पे जो है वो हम असेसमेंट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं। जो जो उन्होंने यहाँ पर कमेटी फ्रेम की होती है स्वच्छता को लेकर, उनकी हमने जांचनी है कि जो एमसी ने हम लोगों को एविडेंस दिया हुआ है वो असल में जो है वो ग्राउंड रियलिटी में है या नहीं है। इसी के लिए आज हम यहाँ पे स्वच्छता कमेटी की जांच करने के लिए पहुँचे हुए हैं। यही वर्क हम आज पूरा फील्ड पे आज पूरे देखेंगे। जो एमसी ने अपना रिप्रेजेंट करने के लिए दिया था कि हमने यहाँ सफाई करते हैं, इन चीज़ों की हम सफाई करते हैं, वहाँ पे हम लोग इनके दावों की जो है वो जाँच करेंगे। उसी के अनुसार इनको फिर दावों के अनुसार जो उनको वो स्कोर मिलेगा और फिर लास्ट में कंक्लूजन बन के निकलेगा कि कितने इनको पॉइंट्स जो है वो एमसी हमीरपुर को मिले हुए हैं और उसको ऑल इंडिया बेस पे इनको रैंकिंग मिलेगा। और रैंकिंग का जो डिसीजन है वो पीएम ऑफिस से होगा, ये अप्रैल के मंथ में इनको मिल जाएगा कि कितना रैंक जो उन्होंने स्कोर किया। ये अभियान जो हमारे पूरे हिमाचल में शुरू है, जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अब ये चल रहा है सारे का सारा काम। इसके अंतर्गत जो है वो आज हम हमीरपुर में पहुंचे हुए हैं। आज हम हमीरपुर की जो यूएलबीज हैं, हमीरपुर हो गया, उसके बाद हम नदौन जाएंगे, नदौन के बाद भोटा और भोटा के बाद सुजानपुर जाएंगे। वहाँ पे जो लोगों ने अपने कागजी कार्रवाई की हुई है उसके हिसाब से उनकी ग्राउंड रियलिटी जो भी वो चेक की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर दिल्ली से हमीरपुर आई केंद्र की टीम वापस चली गई है। 2 दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंची इस टीम ने अंतिम दिन निरीक्षण की गोपनीयता रिपोर्ट तैयार की। इसके लिए 2 सदस्यीय टीम ने दिन भर नगर परिषद क्षेत्र में डेरा जमाए रखा। दिल्ली से आई इस 2 दिवसीय टीम ने सीनियर असिस्टेंट विकास गर्ग और स्टेट कोऑर्डिनेटर चमन शर्मा शामिल थे। शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई के पुख्ता प्रबंधों के साथ साथ टीम ने सार्वजनिक शौचालयों आदि की सुविधाओं को जांचा। टीम अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कर हमीरपुर से रवाना हो गई। अब टीम दिल्ली में इस रिपोर्ट का जमा करवाएगी। इसके बाद नगर परिषद को ऑल इंडिया स्तर पर रैंकिंग दी जाएगी। इसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमीरपुर को 4000 में से कितने अंक मिले हैं। टीम ने निरीक्षण के दूसरे दिन नगर परिषद हमीरपुर के सभी वार्डों में जाकर यहाँ की सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा लोगों को शौचालय बनाने के लिए भी सब्सिडी को भी वेरीफाई किया है। इसके अलावा टीम ने लोगों से सवाल जवाब भी किए, जिनके नंबर स्वच्छता रैंकिंग में जोड़े जाएंगे। वार्डों में कचरा घरों की क्या स्थिति है, डस्टबिन सभी जगह रखे गए हैं या नहीं, कचरा नियमित उठाया जा रहा है या नहीं, इसकी भी टीम ने जांच की। टीम ने अंतिम दिन सभी वार्डों में जाकर शौचालयों को चेक किया व डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था का लोगों से फीडबैक लिया। इसमें लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें घर से रोजाना कूड़ा उठाने की सुविधा मिल रही है या नहीं। यह सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य प्रायणता से निभाते हैं। बता दें कि दिल्ली से हमीरपुर पहुंची ये टीम द्वितीय चरण का निरीक्षण कर लौट गई है। इससे पहले केंद्र की एक अन्य टीम नगर परिषद हमीरपुर का निरीक्षण कर दिल्ली वापस जा चुकी है। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कुल अंक 4000 निर्धारित हैं। इन 4000 नंबरों में से हर क्षेत्र को नंबर मिलेगा। इस आधार पर हमीरपुर शहर के स्वच्छ होने की तस्वीर राष्ट्र स्तर पर साफ हो पाएगी।